दोस्तों आज हम पेंसिल के बारे में जानेंगे। पेंसिल हम पहले लकड़ी की पेंसिल का यूज़ करते थे जिसमें हमें पेड़ को काटना पड़ता था और पर्यावरण को भी नुकसान होता था, लेकिन आज हम एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं, लकड़ी की जगह पे हम पेपर पेंसिल का यूज़ करते हैं। हमारे पास पेंसिल कई अलग अलग प्रकार के हैं, जैसा कि ब्राउन पेंसिल, ये वाइट पेपर से बने हुई पेंसिल, जैसा कि न्यूज़पेपर से बनी हुई पेंसिल, जैसा कि कलर पेपर से बनी हुई पेंसिल, कलर लिड पेंसिल यानी कि अलग अलग कलर की पेंसिल, ब्लैक पेपर से बनी हुई पेंसिल, कलर लिड और कलर पेपर से बनी हुई पेंसिल, और ये तिरंगा के तरह की बनी हुई पेंसिल। इस तरह दोस्तों इसमें हम अलग अलग तरह के पैकिंग के पेंसिल भी होते हैं। ये पांच आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उसी तरह का भी आपको पैकिंग मिल सकता है, और ये 10 पेंसिल का भी पैकिंग आपको चाहिए, ये इस तरह का भी आपको पैकिंग मिल सकता है, इस सिंगल का भी आपको पैकिंग मिल सकता है। इस तरह से हम अलग अलग पैकिंग में आपको यहाँ पेंसिल मिल सकती है। दोस्तों जब आप अपनी जो पेंसिल का यूज़ करते हुए आधी पेंसिल आप यूज़ करते हो तब उसको आप फेंक देते हो, लेकिन दोस्तों ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, उसको आप फेंकने की जगह आप उसका प्लांट भी कर सकते हो। जैसा कि अपने घर पर कोई भी पौधा का प्लांट करते हो, बिल्कुल उसी तरह से आप इसका भी प्लांट कर सकते हो। जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हो, उसी तरह से आप इसका भी प्लांट कर सकते हो। एक यूनिक प्रोडक्ट है, इस पेंसिल को आप आधी यूज हो जाए तब आप उसको इस तरह से आप उसको डाल सकते हैं, और अपने खुद के गमले में हम उसका इस पेंसिल का भी प्लांट कर सकते हैं। इसमें हम आपको अलग अलग प्लांट देते हैं, जैसा कि ये चिल्ली है यानी कि ये मिर्च का है, इस तरह का ये भी ये लेडी फिंगर है यानी का ये भिंडी, जैसा कि बैंगन को भी आप अपने घर पर इस तरह से प्लांट कर सकते हो, टमेटो को भी आप इस तरह से प्लांट कर सकते हो, गाजर, इस तरह का कई सारे अलग अलग तरह की प्रोडक्ट हम आपको देते हैं, तो वो अपने अपने गमले में आप उसका प्लांट भी कर सकते हो, और इस तरह से आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, और अपने घर पर छोटे या बड़े आपका प्लांट भी आप कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप अपने पेंसिल का कोई भी आपकी रिटेल की दुकान है या होलसेल की दुकान है या आपकी खुद की कॉलेज है या स्कूल है, अपने कंपनी के नाम का भी आप इसमें लोगो लगा सकते हो, लेबलिंग या प्रिंट आप कर सकते हो। जब भी आप उसका नोटबुक में लिखते लिखते आपकी नोटबुक पूरी हो जाती है तो आप उसको फेंक देते हो, लेकिन ये एक और भी प्रोडक्ट हमारे पास है जो आप ये कागज़ को ये पुंठे को आप उसको निकाल दो और उसको भी आप अपने गमले में डाल दो, अपने खुद के गमले में को भी उसको प्लांट कर सकते हो। जैसा कि हमने बताया मिर्च का प्लांट कर सकते हो, लेडी फिंगर का भी प्लांट कर सकते हो, धनिया का भी प्लांट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हो और उसका यूज पूरा हो गया है, उसको ये पुंठा को निकाल कर और उसको प्लांट भी आप कर सकते हो। उसी तरह से आप थैंक यू का भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये जो आप कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस तरह का भी प्लांटेबल पेपर आपको चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, ये छोटा सा पेपर भी आपको मिल जाएगा। इसमें आप अपने घर पर तुलसी लगा सकते हो। जब भी आप किसी को ये प्रोडक्ट अपने बर्थडे पार्टी में या गिफ्ट देना चाहते हो तो इस तरह का भी आप उसको पैकिंग करके कि ये पैकिंग भी आपको यहाँ इस कंपनी में आपको मिल सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने अलग अलग तरह की हमने पेंसिल देखी और पेंसिल का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसका प्लांट कर सकते हैं वो भी हमने देखा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास एक और भी यूनिक प्रोडक्ट है जो आप पेंसिल की तरह ही आप यूज़ कर सकते हो। हमारे पास एक पेन है
जो आप लिखते हुए उसकी स्याही ख़त्म हो जाए तब आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन हमारे पास ये यूनिक प्रोडक्ट है जिसको आप पेंसिल की तरह ही आप उसको अपने गमले में के प्लांट कर सकते हो। जैसा कि हमने पेंसिल में प्लांट करना देखा, उसी तरह से हम इस पेन को भी हम प्लांट कर सकते हैं। इस पेन को दो तरह की हमारे पास प्रोडक्ट है, भी प्लान है जो आप यूज़ कर सकते हो, और दूसरा ये क्लिप है जो अपने पॉकेट में डालकर उसका यूज़ कर सकते हो। कि सही ख़त्म हो जाए तब आप उसको अपने गमले में इस तरह से आप उसको प्लान कर सकते हो। दोस्तों, पेन को हम इस तरह से पैकिंग में भी हम ले सकते हैं, और इस तरह के अलग अलग पैकिंग में भी हम उसको ले सकते हैं। जैसा आपको जिस तरह से आपको ख़रीदना चाहो उसी तरह से आप उसको खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ को ख़रीदना है, आप ये कलर पेंसिल भी आप ख़रीदना चाहते हो, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हो, इसको ख़रीदने के लिए अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी कई सारे की जो वेबसाइट है इसमें भी आपको ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। और आप डायरेक्ट भी आप कंपनी से ख़रीदना चाहते हो तो कंपनी की खुद की वेबसाइट है। तो हमने इस कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहीं से आप इस कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप इसे खरीद सकते हो और अपना काम कर सकते हो। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, ताकि आप हर रोज़ बिजनेस के नए नए वीडियो देख सकें।